सर एगो तो यहाँ होता, एक होता है शोल्डर के पास में, सही से बनाया नहीं है, एक शोल्डर के पास में। यहाँ जो भूतनाथ का शोल्डर है भोला, यहाँ भी बाबू क्या होगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन होगा, बॉल एंड क्या होगा, सॉकेट ज्वाइन होगा। ठीक ठीक सर, तो जहां भी बॉल और सॉकेट ज्वाइंट होते हैं बाबू, वहां हम लोग बाबू चारों तरफ रोटेट करेंगे हाथ पैर को। हिंज ज्वाइंट में बाबू ऐसे 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 ऐसे, लेकिन अब समझो बोला सॉरी, याद हम समझते चलना ऋषभ बाबू अशुभम बाबू। अब यहाँ पे जो शोल्डर वाला है, तो इस हाथ को ऐसे ऐसे सारे डायरेक्शन में रोटेट करते हैं ना जी, ऐसे भी रोटेट करते हैं, ऐसे ऐसे चारों डायरेक्शन में रोटेट करते हैं ना भोला। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है, अब नीचे उठ के कैसे दिखाएं, है ना, अभी शोल्डर वाला समझो, नीचे वाला पैर कैसे उठा के दिखाएंगे, दोनों पैर उठा के दिखाएंगे तो हम ही उठ जाएंगे भोला, है ना भोला। ठीक, पैर वाला, पैर वाला यहाँ जो ज्वाइंट है, यहाँ जो पैर वाला, ये वो बॉल सॉकेट है बोला। अब हम अपने पैर में कैसे दिखा सकते हैं आपको, यहाँ दिखा रहे। दूसरा बाबू शोल्डर के पास, तो शोल्डर के पास कहाँ बाबू मेरे, ए भूतनाथ स्थिर से रहो, यहाँ पे जो ज्वाइंट है बोला, है ना, आप बाबू इसको पूरा मांस हटाओ, अब पूरा यहाँ से मसल्स हटाओ, अब फिर हाथ काट के निकालो, तो उसी तरह से अंदर एगो गड्ढा रहेगा और यहाँ पे एगो बॉल रहेगा। तो ये जो रोटेट होता है बाबू, सारे डायरेक्शन में रोटेट होता है, लेफ्ट राइट सारे डायरेक्शन में रोटेट होता है ना जी। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है इसको क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहेंगे, समझते चलना। कौन सा ज्वाइंट कहेंगे बोला, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, कि नहीं कार्तिक है ना बाबू, अभिनव सिंह या सुहाम, ऊपर कैसे देख रहा है जी, सुहाम ऊपर ही बाबू चल रहा है क्लास जी, नेक्स्ट समर्थ बाबू अशुभम, पढ़ते चलना शुभम, देखो शुभम भी तेज हो जाएगा, नेक्स्ट बाबू रूपेश, है ना। ठीक, तो वही लिखा है, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं वो सारे डायरेक्शन में मूवमेंट देते हैं, लेफ्ट राइट ऐसे वैसे जैसे तैसे सारे डायरेक्शन मूवमेंट देते हैं। तो यह इंग्लिश में यहाँ लिखा है तोसा, दिस टाइप ऑफ ज्वाइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, वन एंड ऑफ द ज्वाइंट इज शेडेड लाइक ए बॉल बाबू एंड फिट इन द सॉकेट लाइक कैविटी इन द अदर, है ना। एगो क्या रहेगा बाबू, एगो सॉकेट रहेगा, एगो गोल गाल बॉल रहेगा, कैसा सर ऐसा सर, कैसा रूपेश बाबू ऐसा भोला, है ना, समझना शांति से। एगो ऐसा गड्ढा रहेगा, इसको सॉकेट कर दोगे, आइए गोल गाल तूसा क्या हो गया, बॉल हो गया, ये गोल गाल बाबू क्या हो गया, बॉल हो गया, है ना। ठीक, एकदम एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रखो, हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे बाबू, लेकिन दोबारा बाबू दुर्गा पढ़े की जरूरत नहीं होगा। ये आपका क्या हो गया, लाल वाला हो गया बाबू, ये आपका है ना हो गया बॉल हो गया। ठीक, यहाँ बाबू यहाँ बोला आपका ये हो गया सॉकेट हो गया, ये क्या हो गया भूतनाथ का सॉकेट हो गया, है ना। तो यहाँ से जो भी मूवमेंट होंगे भोला प्रिंस बाबू, ये क्या होंगे सारे डायरेक्ट, देखो ना यहाँ से मूव करो ना जी पैर के बाबू, आप पैर को उठा के चारों डायरेक्शन में मूव करवाते हो ना जी, यहाँ यहाँ लेफ्ट राइट जन्ने घुमावे करके घुमावा, तो ये सभी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, क्या होगा सभी डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, है ना। हाँ सर, मेरा बच्चा एकदम समझते चलेगा, एक बार पढ़ो जिंदगी भर क्लियर रखो, आप टू भी क्लास में पढ़ोगे तो भी समझ में आ जाएगा, वन में पढ़ोगे तो भी आएगा, एट में पढ़ोगे तो भी आ जाएगा, सबको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो वही लिखल है, द राउंडेड बोन कैन इजिली मूव इन सॉकेट, ये जो राउंडेड बोन है, ये राउंडेड बोन है, ये अंदर गड्ढा वाला हो गया, ये बॉल हो गया, ये गड्ढा वाला हो गया, तो इसी को बॉल एंड सॉकेट ज्वाइन करेंगे। तो कहाँ कर रहेंगे, आपका हिप ज्वाइंट की जगह रहेगा, जो आपका थाई बोन है भोला, और एक आपका शोल्डर के पास रहेगा, कहाँ रहेगा शोल्डर के पास रहेगा, हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट। हाँ सर, इसको आज हम लोग खत्म करेंगे। नेक्स्ट भोला आगे क्या है, पाइवट ज्वाइंट है, क्या बाबू पाइवट ज्वाइंट है, पाइवट ज्वाइंट इज वेयर बाबू सिलेंडर का बोन रोटेट इन द बाबू, इट अलाउ मूवमेंट फ्रॉम द साइड टू साइड, जैसे बाबू है ना, जैसे फोर मार्म्स बाबू, नेक वाला मूवमेंट ऑफ फोर मार्म्स, है ना। ठीक, अब इसका बाबू आपको समझना है, कैसे समझेंगे सर, शांति से समझना, पाइवट ज्वाइंट कहाँ होगा, जैसे यहाँ पे बाबू गर्दन जो है, तो इधर भी करते हो इधर भी करते हो, है ना, तो यहाँ गर्दन के पास में जो ज्वाइंट है बोला क्या है, पाइवट ज्वाइंट है। भूतनाथ में कहाँ बोला, देखो भूतनाथ का जो वो नेक वाला पोर्शन है, ये इधर भी होगा इधर भी होगा इधर भी होगा आगे भी होगा, तो ऐसे भी होता है ना, तो इधर 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 इधर, है ना, वन साइडेड ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट है भूतनाथ का, यहाँ पे जो ज्वाइंट है ना जी, देखो भूतनाथ यहाँ पे ज्वाइंट है, यहीं से ना मूव हो रहा है भोला, तो इसी को पाइवोट ज्वाइंट कहेंगे, क्या कहेंगे पाइवोट ज्वाइंट कहेंगे, है ना, पाइवोट ज्वाइंट कहेंगे। तो एक तो यहाँ हो गया नेक के पास, दूसरा होता है फोर आर्म, फोर आर्म में कहाँ बाबू, शांति से समझना,
इसका अभी आपको वीडियो दिखाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, पाइवट जॉइंट का है ना भोला। देखो भोला, एक एक चीज एकदम समझते चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो कि नहीं बाबू मेरे। कहाँ गया स्केलेटल? यहाँ पे है अपेंडी, हिप जॉइंट, हिप जॉइंट, पाइवट जॉइंट। देखो भोला आपको दिखाते हैं, है ना? ठीक से देखो कैसे भोला, ऐसे बाबू शांति से समझना है ना। यहाँ वाला ज्वाइंट भोला समझना, यहाँ पे दो गो हड्डी होता है, यहाँ पे क्या होता है बाबू, दो गो हड्डी होता है यहाँ पे, एगो रेडियस होता है एगो अल्ना होता है ना। तो यहाँ वाला जो हड्डी होता है हाथ भोला भोला, इसको थोड़ा सा ऐसे मूव होगा, यहाँ पे जो यहाँ तो होता है बाबू आपका बाबू ये होता है हिंज ज्वाइंट हो गया, लेकिन यहाँ पे बाबू डबल ज्वाइंट होते, तो एगो थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट होगा। तो यहीं पे जो ज्वाइंट होगा बोला, दो गो ज्वाइंट होगा, एगो हिंज होगा एगो पाइवट ज्वाइंट होगा। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बाबू, समझाते हैं अभी। जैसे ये हाथ में टच करोगे बाबू, तब दो गो हड्डी है, हाथ को बीच से टच करोगे दो गो, एगो रेडियस है एगो अल्ना है। तो हाथ थोड़ा सा ऐसे घूमता कि नहीं घूमता? अरे बाबू हाथ ऐसे हो रहा है ना जी, एगो तो ऐसे हो रहा है हिंज ज्वाइंट है, यहीं पे बाबू हाथ ऐसे नहीं होता जी। देखो हाथ ऐसे ट्विस्ट होता है ना बाबू, यह ये हो गया हिंज ज्वाइंट, और यहीं पे बाबू हाथ ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, ऐसे आप बाबू ऐसे रोटेट करोगे तो घूमता है ना जी, ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पे बाबू ऐसे ऐसे जो घूम रहा है किसके कारण? पाइवेट ज्वाइंट के कारण। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया वीडियो देखो। मेरे यहाँ ऐसा कभी होता नहीं बाबू कि बच्चा नहीं समझेगा। ये आपका हड्डी वाला हाथ वाला हड्डी है, कहाँ वाला हड्डी है? हाथ वाला हड्डी है ना। ठीक से कहाँ वाला हड्डी है बोला? हाथ वाला बाबू, सॉरी। ठीक समझते चलना। तो यहाँ पे बाबू देखो आपका बाबू, ये हाथ का रेडियस है भोली तूसा और अलना है ना वसुधा, समझते चलना। ठीक, तो ये बाबू आपका एगो रेडियस है एगो अलना है। तो यहाँ पे बाबू देखो, ये जो ज्वाइंट आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों, ये यहाँ पे हीन ज्वाइंट है और ये गो गोल का एगो ये दिखाई दे रहा बाबू, यही आपका क्या है? पाइवेट ज्वाइंट है। ये क्या है? एगो गोल का इसके सहारे है ना। देखो ये गोल है एगो ये है, तो ये आपका क्या हो गया? पाइवेट ज्वाइंट हो गया। ठीक है ना बाबू, देखो ये आपका क्या हो गया? रेडियस हो गया और अलना हो गया। तो ये कहाँ हाथ का हड्डी है? कहाँ हाथ का हड्डी ये है बाबू, थोड़ा सा हाथ का हड्डी रोटेट होगा ना, शांति से देखो आपको दिखाई देगा है ना बाबू। देखो ये आपका क्या बोला? हाथ है, हाँ ट्विस्ट हुआ। देखो शांति से समझना, थोड़ा सा पीछे करते हैं। देखो ये मेरा क्या सर, हाथ है ये क्या बाबू? आप लोग का हाथ है ना जी बाबू, आपके हाथ से लवण्या मसल्स हटा देंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे बाबू थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा पीछे किया जाए है ना। ठीक पॉज करते हैं, आप समझो। तो ये हाथ है, अब ये हाथ बाबू ऐसे भी रोटेट होता है, हम लोग हाथ को तो ऐसे रोटेट कर भी करते हैं सर, शांति से समझ। हाथ तो ऐसे रोटेट होता, उसके साथ ऐसे भी रोटेट होता, ऐसे ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? ऐसे ऐसे हो रहा है ना, गिनना गिनना हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है ना जी। ठीक, ऐसे ऐसे डांस करते हो कि नहीं करते? ठीक, एक तो ऐसे ऐसे हो रहा है हिंज ज्वाइंट के कारण, और हाथ बाबू ऐसे 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 भी हो रहा, तो ऐसे ऐसे हो रहा किसके कारण? पाइवट ज्वाइंट के कारण। किसके कारण? पाइवट के कारण है ना तुसा, समझते चलना। तो देखो ये हाथ बोला अभी ऐसे है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे करेगा, देखो हो गया घूम गया। तो यहां से घूम रहा है, यहां से क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो ये कौन सा ज्वाइंट है? पाइवट ज्वाइंट, एगो रेडियस एगो अल्ना होता है, बताइए क्या है ना। तो यहाँ से जो हाथ घूम रहा है बाबू, ये पाइवट, यहाँ पे आपका दो गो ज्वाइंट है, शांति से देखो है ना। देखो जी बोला मेरा बच्चा बाबू, यहाँ पे आपके हाथ में बाबू दो गो ज्वाइंट है, एगो ये वाला छोटका सॉकेट है, ये आपका हिंज हो गया, और हाथ बाबू ऐसे रोटेट होगा, ऐसे देखता, ऐसे ऐसे होता है कि नहीं होता? ऐसे से ऐसे होता है ना। ठीक, तो ये जो ज्वाइंट है ये आपका कौन होगा? पाइवट। देखो उधर हाथ को है ना जी, हाथ उल्टा कैसे हो गया? पाइवट ज्वाइंट के कारण। ये हाथ अभी उल्टा है, अभी हाथ उल्टा है फिर सीधा होगा, हाथ उल्टा बोला तो क्या हो जाएगा? सीधा होगा। तो किसके कारण? पाइवट ज्वाइंट के कारण। समझ में आ गया है ना भोला? ठीक, अब आगे की कहानी समझते चलना प्रिंस बाबू, हरीशी नयन बाबू, हरिओम है ना। देखो सीधा हो रहा, घूम रहा, सीधा हो रहा, तो ये आपका पाइवट ज्वाइंट के कारण है ना, यहीं पे रहेगा आपका, क्या रहेगा? पाइवट ज्वाइंट रहेगा। ठीक ठीक बाबू, वैष्णवी अराध्या है ना। आगे भोला,
आगे क्या होता है, ग्लाइड, देखो कितना अच्छा से ट्विस्ट हो रहा, ट्विस्ट हो रहा बोला है ना, नेक्स्ट बोला। आप लोग डांस देखते नहीं बाबू, है ना, डांडिया खेलते थे, ऐसे 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 ऐसे, तो यही है पाइवेट ज्वाइंट के कारण ऐसे ऐसे हो रहा, ऐसे ऐसे डम्बल वाला होता हिंज ज्वाइंट के कारण, और डांस में ऐसे 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 हो रहा पाइवेट ज्वाइंट के कारण। अच्छे से समझ में आ गया, ठीक सर। अगला क्या बाबू, ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, ये है बाबू, इसमें देखते हैं, है ना, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोला, नेक्स्ट बोला, ग्लाइडिंग ज्वाइंट इसी को प्लेन कहेंगे, है ना। तो ग्लाइड क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ना इनसे क्या करेगा, स्लाइड करेगा, ये दो बोन हो गया, एक दूसरे के ऊपर आगे पीछे स्लाइड करेगा, इसी को क्या कहेंगे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। देखो स्लाइड हो रहा है ना, तो इसी को क्या कहेंगे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहेंगे। तो जनरली जो रिस्ट वगैरह, शांति समझना, ये आपका क्या कार्पल्स है, अरे शैतान, ये बाबू आपका फिंगर हो गया, इसके बीच वाला, तो बीच वाला देखते नहीं हो जी, ये बाबू बीच में रहता है ना बाबू, ऐसे ऐसे करके घुमाते हो कि नहीं घुमाते हो, आहा, ये मेन हड्डी, आइए बाबू आपका बाबू कार्पस, अब बीच वाला जो छोटका छोटका हड्डी है, बीच में यही सब छोटका छोटका हड्डी है ना, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट्स होगा इसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहेंगे। क्या कहेंगे अंशराज, अंशराज पढ़ते चलना है, यहाँ पे जो ज्वाइंट्स होगा जस्सी, इसको कौन सा ज्वाइंट कहोगे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहेंगे। इतना अच्छा से तो आपको दिखाया गया है, यहाँ पे बाबू जो ज्वाइंट्स है बोला, देखो यहाँ पे ये हाथ वाला हो गया, ये पैर वाला हो गया, है ना, तो यहाँ पे जो ज्वाइंट्स होगा इसको क्या कहोगे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स कहोगे। तो वही आपको लिखेंगे आगे, है ना, एगो शोल्डर के पास में होता, कैसा ज्वाइंट होता है, शोल्डर के पास में, आप लोग शोल्डर ऐसे ऐसे करता कि नहीं करता, है ना, बोला शोल्डर ऐसे ऐसे करता है ना जी, तो यहाँ पे शोल्डर जो ऐसे ऐसे, ये हाथ नहीं, हाथ नहीं, शोल्डर ऐसे नहीं होता बाबू, आहा, है ना, ऐसे ऐसे होता है ना, तो यहाँ पे जो होता बोला ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होता है, क्या होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होता है शोल्डर बोला, है ना, तो वही आपको यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे शोल्डर्स क्या होंगे, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होंगे। तो सारे ज्वाइंट्स आपको ध्यान रखना वसुधा, है ना, ये आपका क्या हो गया, ग्लाइडिंग, यही भूतनाथ है, देखो आप कितना बड़ा है, यही भूतनाथ है बोला, देख रहे हो, हंस रहा है, खुश है, पढ़ के बाबू खुश है ना, ए शिवराज, भूतनाथ भी बाबू पढ़ के खुश है, स्वप्निल श्री, शैतान खाली सपने देखते रहता, ठीक, तो देखो यहाँ पे शोल्डर देखो, है ना, देखो कितना अच्छा से करके दिखाया, ये यहाँ पे जो शोल्डर बोन है यहाँ पे, है ना, वहीं पे क्या होगा आपका, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होगा, ठीक। तो इतने क्या थे बाबू, आपके ज्वाइंट्स थे, है ना, इतने सारे क्या आपके ज्वाइंट्स है, यही आपको लिखा हुआ, वर्ड ऑफ द डे बोला, वर्ड ऑफ द डे क्या कहता बाबू मेरे, कौन कौन बच्चा भागा उसका अटेंडेंस नहीं बनेगा, भागने दो, है ना, ठीक। तो वर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, इसको समझना, दो गो वर्ड है बाबू वर्ड ऑफ द डे में बोला, है ना, इसको समझिए शांति से, वर्ड ऑफ द डे क्या बाबू, एक होता स्प्लीन मतलब प्लीहा, ये क्या था बाबू, हमारे बॉडी के अंदर बाबू ब्लड फिल्टरिंग का ऑर्गन है, कहाँ रहता सर, पैनक्रियाज के ऊपर में रहता, पैनक्रियाज के ऊपर में बाबू, आगे आपको पढ़ाएंगे साइंस में, थोड़ा सा और बड़ा हो जाओगे तो, ये देखो भोला, ये आपका लीवर है, इससे आप लोग दर्शन दिए हुए, ये पैनक्रियाज है, यहाँ पे जो ये है भोला, ये स्प्लीन है, प्लिया, जो ब्लड को क्या करेगा, फिल्टर करने का काम करेगा, बस उधर पीछे क्या देख रहे जी, अब आप लोग के ऊपर बाबू एक बार स्टाफ रख देंगे, ठीक ना, जो इधर उधर देखेगा सीधे फोन जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे बाबू, ये जो बाबू फिल्टर करेगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्ली कहेंगे, स्प्लीन कहेंगे, प्लीहा इसको कहते हैं, ठीक, ये क्या करेगा, ब्लड को फिल्टरिंग करने का काम करेगा। एक होता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है बाबू, भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था क्या होता है बाबू, बेबी बाबू, है ना, पैदा लेने से पहले बाबू जो उसका स्टेज होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, है ना, अर्ली स्टेज ऑफ बाबू बेबी, बेबी के बर्थ होने से पहले जो उसका स्टेज होता है उसी को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। जैसे भोला माँ के फेटस में भोला, है ना बाबू, जो होता है बाबू मेरे, कुछ कुछ इस अवस्था में बाबू, है ना, आपको आगे पढ़ाएंगे बाबू, ये है ना, तो प्रोड्यूस, है ना, बर्थ लेने से पहले ये जो बेबी का है बाबू, है ना, अर्ली स्टेज है, फोकस करो जी कैमरा जी, ठीक, ये अर्ली स्टेज जो है बोला, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे, क्या कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे, है ना, ठीक बोला, है ना बाबू, हरिओम। तो ये आपका क्या था बाबू, ये आपका ज्वाइंट्स था, तो इसमें एग्जाम्पल लिखो बाबू, एंकल ज्वाइंट, कौन सा ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, एग्जाम्पल लिखो बाबू, इसमें ग्लाइंडिंग ज्वाइंट में एग्जाम्पल लिखेगा सारे बच्चा, और जो जो भागेगा बाबू अटेंडेंस कट जाएगा, ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स का एग्जाम्पल लिखे बाबू मेरे, इसका एग्जाम्पल्स एंकल ज्वाइंट, है
ना, पैर वाला बबुआ और हाथ वाला है ना। इसके बाद इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मसल्स पढ़ेंगे, एंकल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, ETC। पैर वाला बोला और हाथ वाला, घुटना वाला और हाथ की कलाई वाला, ये सब के पास जो ज्वाइंट होता है आपका कैसा होता है, बोली है ना बाबू, आपका ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स होता है। 3:30 बजे भी आना, बोली बाबू।